वेलकम टू माय चैनल। और आज हम मिसलेनियस एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल कुछ इस तरीके का हो सकता है, जैसे इफ का मतलब गिवन है, ठीक है ना, कि ओ बी जी ओरिजन, मतलब ओरिजन किस तरीके का होता है, इस तरीके से, सही है, और उसका नाम ओ पॉइंट है। अब ये बात हमें भी पता होती है कि ओरिजन काम में, ये बात काम की है, ओरिजन तो ये है 0.0.0, हम उसको ओ पॉइंट से डिनोट करते हैं, वो एक अलग बात है, ठीक है ना। तो ये यहां पर इस चीज का ये मतलब हुआ कि ओ बी जैसे ओरिजन है, यहां पर ओ पॉइंट का कोई और नाम हो सकता था, ठीक है, तो ये कंफ्यूज मत होना, हम ओरिजन को ओ पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं, वो एक अलग बात है, ठीक है। इसके बाद एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी पॉइंट, जैसे पी पॉइंट इस तरीके से, सही है, अब हम तो पी पॉइंट को इस तरीके से डिनोट करते हैं, जनरल पॉइंट को पी यूज हो चुका तो पी डैश कर दो या फिर कोई और नाम रखे, तो इन चीजों में तो नहीं कंफ्यूज हो रहे होगे ना, हम नॉर्मली ये चीजें लेट करके चलते, वो एक अलग बात है, सही है, या फिर इसको कोई जनरल पॉइंट है, ये ओरिजन है, ये कह दो, सही है, ठीक है ना, इनके रिप्रेजेंटेशन से कोई मतलब होना नहीं चाहिए हमें, ठीक है। अब इसके बाद कोऑर्डिनेट ऑफ पी डी ओ, इसके बाद देन फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन, सबसे पहले यही चीज नजर आनी चाहिए, इसके लिए एक ट्रिक बताई थी, कौन सी, ठीक है ना, कि एक लाइन प्लेन पर हो, सही है, मतलब लाइन का मतलब दो पॉइंट चाहिए, सही है, और उन दो पॉइंटों में से एक जनरल पॉइंट हो, एक्स वाई जेड टाइप का, अब पहले पी यूज हो चुका तो पी डैश लिख दो, सही है, और कोई एक पॉइंट और होना चाहिए, काम चल जाएगा। उसके बाद दूसरी चीज, एक लाइन परपेंडिकुलर हो किससे, प्लेन से, ठीक है ना, ये चीज डायरेक्शन रेशो के काम आ जाती है, डायरेक्शन रेशो लाइन के होंगे या फिर नॉर्मल कह सकते हो, और उसके बाद दो वेक्टरों के डॉट प्रोडक्ट जीरो, क्यों, क्योंकि यहां पर थीटा बनता 90 डिग्री, ये बताई थी ट्रिक, ठीक है ना, आसान तरीका, चेक कर लो कौन सी चीज गिवन है, इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालनी कब, पासिंग थ्रू पी, चल गया काम, सही है, ठीक है ना, तो ये, और उसके बाद परपेंडिकुलर ऑफ पी के, तो सॉल्यूशन यहीं से स्टार्ट, जैसे किस तरीके से, सबसे पहले तो यहां पर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन, पहले तो ये चीज लिख दो कि रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन विच पासिंग थ्रू पी, मतलब विच पासिस थ्रू पी, मतलब पॉइंट गिवन है, सही है, पॉइंट गिवन है, इसके बाद एंड, ठीक है ना, अब साथ के साथ ये परपेंडिकुलर पहले से गिवन है, मतलब प्लेन पर, अब की बार पॉइंट तो वही है जनरल पॉइंट एक्स वाई जेड, अब की बार उसका नाम ये हो जाएगा पी डैश, ठीक है, यहां पर ये पी और पी डैश इन चीजों में मत कंफ्यूज होना, जनरल पॉइंट है कहीं पर भी प्लेन पर, समझ लो यहां पर है, सही है। इसके बाद इक्वेशन ऑफ प्लेन निकल, अब उस पर कोई एक पॉइंट और है पी पॉइंट, ये लाइन बन गई, ये सेटिस्फाई। इसके बाद एक प्लेन के परपेंडिकुलर लाइन हो, कौन सी गिवन है, ओ से पी, मतलब ओ रीजन है, सही है, उसका मतलब है डायरेक्शन रेशो होनी चाहिए, डायरेक्शन रेशो निकलते दो पॉइंटों से, क्योंकि डायरेक्शन रेशो ही डेफिनेशन, एक डिस्टेंस है दो पॉइंट, और दो पॉइंट से निकलेगा डिस्टेंस, और अपनी अपनी एक्सिस पर डिफरेंस, तो इस चीज का ये मतलब हुआ कि दो पॉइंटों के कोऑर्डिनेट गिवन होने चाहिए इस तरीके से, सही है, तो मतलब ये चीज डायरेक्शन रेशो के काम आ जाएगी, मतलब एंड हैविंग, ठीक है ना, डायरेक्शन रेशो ऑफ नॉर्मल परपेंडिकुलर लाइन के ये किसके साथ टू रिक्वायर्ड प्लेन, सही है, तो डायरेक्शन रेशो की डेफिनेशन ओपी के परपेंडिकुलर है ना, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, वो एक अलग बात है, तो मतलब इस चीज का अब चॉइस थी, मतलब पी में से डायरेक्शन रेशो की डेफिनेशन क्या बताई थी, डायरेक्शन रेशो की डेफिनेशन एक डिस्टेंस है, ठीक है ना, एक डिस्टेंस है, अपनी अपनी एक्सिस पर डिफरेंस, ये बात भी साथ के साथ याद रखनी है, अपनी अपनी एक्सिस पर डिफरेंस, सही है, और उसके साथ साथ डिस्टेंस निकलता दो पॉइंट, और एक बात और साथ के साथ ये बात है, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव साइड हो सकता है डिस्टेंस, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस तो वैसे नेगेटिव होता नहीं, सही है, लेकिन यहां पर डायरेक्शन रेशो एक नंबर होता है, कोई भी रियल नंबर, तो इस वजह से ये बात, हर चीज का मतलब पता होना चाहिए, सही है, तो डायरेक्शन रेशो अब चॉइस थी, पी में से ओ को माइनस करो या फिर ओ में से पी को, अपनी अपनी एक्सिस पर डिफरेंस, चलो वन में से जीरो को माइनस कर दिया, मतलब इसमें से इसको माइनस करें, पी में से ओ को माइनस करें, सही है, तो टू अपनी अपनी एक्सिस पर डिफरेंस, तो टू माइनस जीरो, इस टू में से ये वाली जीरो माइनस हो रही है, सही है, वन होता तो वन करते माइनस, फिर जेड पर डिफरेंस माइनस थ्री माइनस लास्ट वाली जीरो, जो भी वैल्यू गिवन हो, सही है, तो मतलब वन टू और माइनस थ्री, मतलब वही पी पॉइंट आ चुका है, सही है, इस तरीके से।
ठीक है ना, तो डायरेक्टली लिख दे, मतलब ये चीज तो पता होनी चाहिए, ठीक है ना, मतलब इस तरीके से इज गिवन बाई, तो क्या होती है इक्वेशन ऑफ प्लेन, अब ये बात पता होनी चाहिए किस तरीके से, जैसे जब एक पासिंग पॉइंट हो इस तरीके से रिजल्ट था y माइनस वाई वन प्लस सी इंटू जेड माइनस जेड वन जीरो, ये ए बी सी क्या है, प्लेन के कोई परपेंडिकुलर लाइन उसके डायरेक्शन रेशो, और x1 y1 z1 ये क्या है पासिंग पॉइंट, मतलब जिसकी वैल्यू गिवन हो, सही है, पुट कर दो, ठीक है ना, तो हम डायरेक्ट लिख दे जैसे कुछ इस तरीके से, मतलब a की वैल्यू 1 है, ठीक है ना, इंटू में x माइनस x1 कितना जो भी वैल्यू प्लस b, ठीक है, इंटू में y माइनस y1 पुट कर दो प्लस c, c की वैल्यू माइनस 3 कोई बात नहीं, इंटू में z माइनस z1 एक माइनस साइन फॉर्मूले वाला एक यहां पर है, ठीक है, कैलकुलेशन है, ठीक है ना, तो इसके बाद x माइनस वन फिर अंदर मल्टीप्लाई कर दो 2y, यहां पर एक बार यहां पर हो जाएगी, कैलकुलेशन है, माइनस 3 के अंदर दोनों जगह माइनस 3 इंटू 3, ठीक है, इसके बाद x फिर इसको इस तरीके से लिख दो x प्लस का 2y, ठीक है ना, फिर माइनस का 3z, और इसके बाद कॉन्स्टेंट टर्म माइनस 1 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 9 माइनस का 14, उस साइड लिख दो प्लस का 14 हो जाएगा, इस तरीके से ये है रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक है ना, कब कार्टेशियन फॉर्म में, सही है, और ये कार्टेशियन फॉर्म का रिजल्ट है, और वेक्टर फॉर्म का रिजल्ट जब एक पासिंग पॉइंट हो, तो उसका रिजल्ट ये था कि r माइनस r1, सही है, डॉट प्रोडक्ट n के साथ n वेक्टर के साथ जीरो, ठीक है ना, यही चीज अप्लाई हुई थी, ठीक है, या फिर यहां से डायरेक्ट भी लिख सकते हो, इसको चेंज कर दो, और मतलब वेक्टर फॉर्म में डायरेक्ट लिखना हो तो क्या करो, r वेक्टर, r वेक्टर इनसे बन जाएगा एक्स वाई जेड से, सही है, एक्स वाई जेड के साथ आई कैप जे कैप और के कैप की मल्टीप्लाई भी करनी है, उसकी डॉट प्रोडक्ट जो इनके कोफिशियंट है 1 2 माइनस 3, एक इनसे वेक्टर बना दो, एक वेक्टर इनसे बना दो डायरेक्ट, आई कैप जे कैप के कैप सभी को ऐड कर दो यहां पर प्लस माइनस, इस तरीके से राइट हैंड साइड 14 है, ये रिजल्ट आया, सही बात है, इस तरीके से, अब यहां पर मतलब इसी को इस तरीके से डायरेक्ट लिख सकते हो, वो चॉइस है किस तरीके से समझ रहे हो इन चीजों को, सही है, तो अब एक बात बताओ, दो वेक्टर डॉट प्रोडक्ट करते हो तो आई कैप वालों के, आई कैप वालों के साथ आर वेक्टर क्या पी पी डैश से बन जाएगा एक्स वाई जेड से, कहने का ये मतलब है एक्स वाई जेड नंबर है, इनकी रिस्पेक्टिव मल्टीप्लाई इस तरीके से करनी थी सभी को ऐड, सही बात है, ठीक है ना, तो यहां पर आई कैप वालों के, आई कैप वालों के साथ 1 × x लिखा तो है, फिर प्लस का 2 × में वाई, जे कैप वालों के आपस में, के कैप वालों के आपस में माइनस 3 × z हो जाएगा, राइट हैंड साइड है जी, सही बात है, तरीका मतलब कैलकुलेशन और कुछ नहीं, लिख सकते हो डायरेक्ट, अब यहां पर ये थोड़ी ना गिवन है कि कौन सी इक्वेशन लिखनी है, मतलब कार्टेशियन फॉर्म या फिर वेक्टर फॉर्म, इस वजह से दोनों लिख दोगे तो बेस्ट है, सही है, और यहां पर ये किस तरीके का रिजल्ट आया, आर वेक्टर डॉट, ये बताओ ये एन वेक्टर है फिर एन कैप है, मैग्नीट्यूड चेक कर लो इस वेक्टर का, तो मैग्नीट्यूड किसी वेक्टर का निकालने का तरीका क्या बताया था, स्क्वेयर रूट के अंदर कोफिशियंटो का होल स्क्वेयर, 1 का होल स्क्वेयर, 2 का होल स्क्वेयर, फिर माइनस 3 का होल स्क्वेयर, सभी को ऐड कर देना, कितना है स्क्वेयर रूट 14, हमें तो इससे मतलब है 1 के बराबर तो नहीं, नहीं है, नहीं है, तो ये एन वेक्टर बन जाएगा, सही है, राइट हैंड साइड क्यों हो जाएगी इस तरीके से, ठीक है ना, अब ये कंफ्यूज मत होना कि रिजल्ट इस तरीके का आना था, इसको उसको बाद में भी तो सोल्व करते हैं ना, सही बात है, इसी चीज को ये भी तो लिखा था जब ये बात सीखी थी कि इक्वेशन ऑफ प्लेन जब एक पासिंग पॉइंट होता था, सही बात है, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 1 पॉइंट, ठीक है ना, तो इसी को तो ये भी तो लिखा था, आर वेक्टर दोनों जगह मल्टीप्लाई कर दो डॉट वाली, सही है, यहां पर माइन आर वन की फिर एन के साथ होगी मल्टीप्लाई, और उस मतलब इस साइड माइनस का उस साइड प्लस का हो जाएगा, आर वन की एन के साथ मल्टीप्लाई, कौन सी मल्टीप्लाई भी काम की है डॉट वाली, सही है, यहां पर कॉन्स्टेंट में ये चीजें मतलब नहीं रखती, मल्टीप्लाई तो यहां पर भी हो रही है 1 की x के साथ, अब ये लिखो या फिर ये लिखो, सही बात है, यहां पर नहीं बात आती है मतलब कॉन्स्टेंट की टर्म में या फिर वेरिएबल, ये बात सिर्फ और सिर्फ वेक्टर की टर्म में आएंगी, ठीक है ना, वेक्टर में, वहां पर इन बातों का ध्यान रखना कि कौन सी मल्टीप्लाई, तो इस तरीके से वही तो है, सही बात है, तो यहां पर ये मत कंफ्यूज होना कि रिजल्ट तो इस तरीके का आना था, उसको भी बाद में सोल्व करते हैं, तो इस तरीके टोटली कैलकुलेशन है, ठीक है, तो इस तरीके सॉल्यूशन रहेगा, बस कहने का मतलब क्या, हर चीज का मतलब पता होना चाहिए, सही है, कि कौन सी चीज हमें चाहिए, कई बार क्या कुछ नहीं, ये ट्रिक है, और यही चीज मतलब कई बार न्यूमेरिकल लेंथ ही हो सकता है, कैलकुलेशन लेंथ ही हो सकती है, मतलब ये पॉइंट डायरेक्ट गिवन था, हो सकता कई बार किसी कंडीशन से निकालना पड़े, सही है,
जनरल पॉइंट तो होगा, ये पॉइंट हो सकता है किसी कंडीशन से निकालो, इसी तरीके से पहले ये निकालो फिर ये चीज अप्लाई करो, कैलकुलेशन लेंथ ही हो सकती है, कंसेप्ट ये है, सीधी सी बात है, ठीक है ना। तो इस तरीके सॉल्यूशन रहेगा, ठीक है ना, तो इस तरीके से, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।